हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अनुराधा, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए और एक लाइक करके जाइए। तो मेरे मायके की याद क्यों आई मुझे, और मेरा मायका कहाँ है, ससुराल कहाँ है, तो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो मेरा मायका हिमाचल प्रदेश में है। तो क्या होता है फ्रेंड की, अभी मैं हिमाचल प्रदेश में पली बड़ी हूँ। उधर का पहाड़ी कल्चर है, तो अरे उधर के रहन सहन में बड़े होना, फिर अलग स्टेट के अलग कल्चर में आना बहुत मुश्किल होता है स्टार्टिंग में। और मेरा ससुराल है महाराष्ट्र में, तो फोन ले आया था, वो फोटो देख रही थी, तो फिर मम्मी पापा की बहुत, भाई की बहुत याद आ गई, फिर रोने के लिए आ गया कि हाय मैं कब जाऊंगी। अभी होता ही है क्योंकि कभी कभी 2 साल के बाद जाती हूँ मैं, कभी 1.5 साल भी लगता है। अभी जैसे मेरे हस्बैंड को छुट्टी मिलती है वैसे ही जाती हूँ मैं साथ में, वो छोड़ देते हैं फिर ड्यूटी चले जाते हैं, तो होता है वो मुश्किल होता है दूर रहना। अपने नजदीक हो तो जब मन किया तब तो चले जाना, नजदीक हो तो। पर कभी कभी आती, जैसे फोन लिया फोटो वगैरह देख लिया तब आती है याद ऐसे। तो इंडिया में क्या, अलग स्टेट का अलग रीति रिवाज होता है, रोने के लिए आ गया, मुझे बहुत याद आई। तो होता ही है ना, नजदीक हो मायका तो हम जल्दी से चले जाते हैं, लेकिन इतने दूर होने के बाद नहीं हो पाता है, कुछ 1 साल लग जाते हैं। मैं तो कम से कम 1 साल, नहीं तो कभी कभी 2 साल के बाद जाती हूँ अपने मायके में, तो बहुत याद आती है। पर ससुराल में जब आई थी तो वो अलग कल्चर रहता है महाराष्ट्र का, अलग कल्चर, उसमें साड़ी पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं ड्रेस पर, मेरे जहाँ ससुराल है उधर ज़्यादातर अलाउड साड़ी ही करते हैं। तो स्टार्टिंग में मुझे साड़ी भी नहीं आती थी पहनने के लिए, ना उधर का खाना बनाने के लिए आता था, क्योंकि हिमाचल में क्या होता है कि हम गरेवे बना के सब सब्जी बनाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं चलता है। मेरे ससुराल जहाँ पे है उधर ज़्यादातर जैसे मूंगफली हो गया उसका ही इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था उस टाइम। पर मेरे सासू माँ बहुत अच्छे हैं, मैं बोलती हूँ, मुझे वो महसूस नहीं होने देते कि मेरी मम्मा इतने दूर है, पापा इतने दूर है, कभी महसूस नहीं होने दिया इन्होंने। इतने साल हो गए शादी को पर नहीं महसूस होने दिया, और अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं मुझे। तो साड़ी भी पहनने के लिए नहीं आती थी मुझे, तो उन्होंने सिखाया मुझे साड़ी पहनना, फिर खाना कैसे बनाना। फिर अभी मेरे ससुराल में बाजरे की रोटी चलती है, ज्वारी की रोटी चलती है, गेहूं की रोटी चलती है। अब गेहूं की रोटी भी हमारे हिमाचल में चलती है, लेकिन वो फुलके बोलते हैं हम, उसमें तेल नहीं लगाते वो बनाते हैं, लेकिन इधर रिफाइंड ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और नहीं आता था, तो उन्होंने धीरे धीरे करके मुझे सिखाया। अभी थोड़ा बना लेती हूँ, सब्जियां भी आ ही जाती है बनाने के लिए। हाल तो होता ही है फ्रेंड, कितना अलग होता है। लैंग्वेज भी नहीं आती थी मुझे, क्योंकि हिमाचल में हिंदी चलती है और लोकल लैंग्वेज रहती है मराठी, वो चलती है। महाराष्ट्र में ज्यादातर मराठी ही लैंग्वेज चलती है, तो कुछ समझ नहीं आता था मुझे, कुछ भी नहीं। जब वो कुछ सामान मंगवाते थे मेरे से तो मैं ऐसा चेहरा देखती थी बस, वो सब हंसते थे कि मुझे कुछ नहीं समझ, कुछ नहीं आता था। तो फिर मेरे सासू माँ सिखाए, मेरे हस्बैंड कैसे हिंदी बोलते हैं ज़्यादा, मेरे साथ तो हिंदी में आता है मुझे, बट मेरी सासू माँ को हिंदी बहुत प्रॉब्लम है, हिंदी नहीं बोलने के लिए आती है उनको, तो मराठी ही ज़्यादा बात करते हैं। ससुर है वो थोड़ा बोल लेते हैं हिंदी, लेकिन बाकी बोल लेते हैं। मेरी सासू माँ के साथ मुझे मराठी ही बोलना पड़ता है। अभी तो मुझे थोड़ा बहुत आ जाती है, करती हूँ मैं प्रैक्टिस और अभी बोल लेती हूँ थोड़ा, लेकिन होते ही है ना वो अलग स्टेट में बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन बहुत अच्छी है मेरी फैमिली, मुझे महसूस नहीं होने देती है कि हाँ अभी 1 साल के बाद जाओगे अब महाराष्ट्र से मायके में, तो नहीं कुछ नहीं, नहीं आती है मुझे इतना।
और मराठी तो बिल्कुल नहीं आती थी मुझे, उनका सुन सुन के मैंने थोड़ा प्रैक्टिस करती थी अकेले में कि भाई हाँ इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, तो मैं थोड़ा अलग बोलती हूँ, थोड़ा पहले अलग ही बोलती थी स्टार्टिंग में, तो मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर हंसते थे, बोलते थे क्या बोल रही है, तो फिर वो सिखाते थे कि भैया नहीं इसको ऐसा बोलते हैं, अभी हम खाना खाने को खाना खाने बोलते हैं, और हिमाचली लैंग्वेज में बोलते खाना खाई लिया तो से ऐसा बोलते हैं, तो इधर अलग बोलते हैं जेवन झाला का तुमचा ऐसा बोलते हैं, लेकिन अभी मैं जब मराठी में बात करती हूँ तो हिमाचल वालों को नहीं समझ आती है, और हिमाचली पहाड़ी लैंग्वेज में बात करती हूँ तो महाराष्ट्र वालों को नहीं समझ आती मेरे ससुराल वालों को, तो ऐसे ऐसे चला, फिर बहुत याद आती है कभी कभी, ऐसा सोचती हूँ कि भाई कितने मैं कितने दूर हूँ कितने स्टेट पार करके महाराष्ट्र है हिमाचल से, तो पर इधर का बहुत बहुत अच्छा है, मेरा ससुराल के बहुत अच्छे बहुत प्यार करते हैं मुझे, कभी महसूस ही नहीं होने देते हैं मुझे, कोई भी कमी नहीं महसूस होने देते, बहुत अच्छे मेरे सासू माँ तो बहुत अच्छे वैसा बोलती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं, मुझे ऐसा ये काम करो वो काम करो होते ही सासू माँ ऐसा बोलते हैं, पर मेरी सासू माँ कभी नहीं बोलते हैं ऐसा कि हाँ ये काम कर वो काम कर, नहीं भी आता था मुझे तो रुक मैं करती हूँ फिर तुझे सिखाती हूँ कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे सब्जी में तड़का ऐसे लगाना है, रोटी ऐसे बनानी है, एक बार क्या हुआ कि बाजरे की रोटी दी मुझे बनाने के लिए, अभी मैंने हिमाचल में कभी बनाई नहीं, उधर इतना चलती नहीं बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी चलती है पर वो नहीं आती थी मुझे, लेकिन मेरे सासू माँ ने ऐसे देखा कि इसको आती है कि नहीं तो मेरे पास दे दिया, तो मेरे से वो फट गई, मैं हाथ में हमारे हिमाचल में जो हमारी दादी माँ वगैरह उनको देखती थी कि वो ऐसे हाथ में बनाते थे तो देखती रहती थी, जब ठंड के टाइम होता है तब ज्यादा चलती है मक्की की रोटी, लेकिन नहीं आई मुझे, दिखाऊंगी मैं कभी आपको मेरे सासू माँ कैसे बनाते हैं बाजरे की रोटी, बहुत अच्छी सी नीचे लेते हैं आटा फिर ऐसे ऐसे करके इतनी बड़ी बड़ी बनाते हैं, और एकदम पतली सॉफ्ट एकदम बहुत टेस्टी लगती है खाने में, तो पहले तो मुझे सब्जी भी अच्छी नहीं लगती थी सच बताऊं तो, टेस्ट ही नहीं आता था मुझे कि हाँ, फिर मेरे सासू माँ बोलते थे कि हाँ नहीं जाने दे तू जहाँ तेरी सब्जी बनती है मतलब गरीबी वाली सब्जी है वैसी बना के खा ले, तो मैं करती थी ऐसा, लेकिन उसमें से कम थे जो मेरी सब्जियां खाते थे, अभी मेरे हस्बैंड है वो फौजी है तो चलता है, उनका अलग अलग स्टेट में रहते हैं तो चलता है ये खाना उनको वो खा लेते हैं, और मेरे जेठ है जेठानी जी है वो भी खा लेते हैं, लेकिन सासू माँ ससुर नहीं खाते इतना, अभी तो खा लेते हैं पर पहले पहले नहीं उनको पसंद आता होता ही है ना, अभी आप दूसरे स्टेट में चले जाओ और दूसरे स्टेट का खाना खाओगे तो अलग ही लगता है, लेकिन अभी खा लेते हैं, और मुझे भी अभी अच्छा लगता है मूंगफली वाला खाना तो मैं खा लेती हूँ अभी, कोई कोई सब्जियां जो नहीं पसंद आती है लेकिन कुछ कुछ सब्जियां बहुत टेस्टी लगती है मुझे, अभी मैंने कभी सुना भी नहीं है कि काली सब्जी, अभी काली सब्जी होती क्या है इसमें क्या डालते हैं काला, तो काली सब्जी महाराष्ट्र में बहुत चलती है मेरे ससुराल में खासकर, वो बहुत पसंद करते हैं, जैसे बैंगन की काली सब्जी आलू की काली सब्जी बनाते हैं, कुछ नहीं है उसमें मुझे तो पहले मसाले समझ नहीं आते थे, वो मसाले क्या क्या डालते सासू माँ, फिर वो एक प्लेट लेते थे फिर मुझे बताते थे कि हाँ इधर ऐसा डालो लहसुन डालो मिर्ची, फिर वो प्याज जो है हम प्याज बोलते हैं उसको महाराष्ट्र में कांदा बोलते हैं, सबको अलग अलग ही बोलते हैं, तो बैंगन बोलते हैं हम हिंदी में, अभी हिमाचल में तो बैंगन ही सुना था मैंने, तो इधर बोलते हैं वांग, तो थोड़ा कंफ्यूज होता ही है, नहीं आता था समझ स्टार्टिंग में, अभी आई जाती है थोड़ी थोड़ी सब्जियां का नाम पता ही है मुझे, कभी सब्जी लेने के लिए जाती हूँ मार्केट में तो उधर मराठी ही लैंग्वेज ज्यादा चलती है, हिंदी भी चलती है पर मराठी में बोले तो थोड़ा बेटर फील करती हूँ मैं कि नहीं मुझे आ रही है, मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे आ जाए जल्दी जल्दी मराठी, अभी आ जाती है मुझे, तो सब्जियों को लेना है तो मराठी बोलती हूँ मैं अभी, तो
उधर फिर काली सब्जी में प्याज वो भूनते हैं, मतलब गैस में भूनना, उसको अच्छे से ब्लैक करना, फिर उसको मिक्सर में ग्राइंड करके बारीक करके डालते थे, तो उसको बोलते हैं काली सब्जी। मैं सोचती क्या होता होगा काली सब्जी, क्या मसाले रहते होंगे काली सब्जी के, पर इतनी टेस्टी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। कभी आपके साथ करूंगी मैं, उसकी विधि शेयर करूंगी, अभी आती है मुझे बनाने के लिए। पर मम्मा सासू माँ के हाथ की तो बहुत टेस्टी लगती है काली सब्जी। हिमाचल में कैसा, पहले से बचपन से ही हमने पहाड़ी लैंग्वेज, लोकल जो लैंग्वेज रहती है गांव की, वही सुनी है, वही आती है हमें। फिर धीरे धीरे हिंदी, हिंदी भी बोलते हैं ज़्यादा, हिंदी ही बोलते हैं, और लोकल गांव में तो पहाड़ी ही चलती है, लेकिन इधर तो मतलब ज्यादातर स्टेट में मराठी ही बोलते हैं, मराठी बोलना ही पसंद करते हैं, हिंदी कम बोलते हैं। अभी जो बाहर से आए हैं वो तो बोलेंगे ही हिंदी, लेकिन अभी अपने फैमिली में कहीं मेहमान, कहीं शादी में जाना है तो हिंदी बोलेंगे तो थोड़ा मतलब अलग ही लगता है मुझे तो, क्योंकि सब मराठी बोलते हैं, तो फिर मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा फील होता है कि नहीं मुझे भी मराठी बोलनी है। तो बहुत अच्छा फील करती हूँ कि जब मुझे मराठी आ गई तो मैं मराठी बोलती हूँ। तो ऐसे ऐसा लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम आया था मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा, बट धीरे धीरे होता है ना, बोलते हैं सबर का फल मीठा होता है, तो जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया सीखना। तो मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।